की बात करें, तीन प्लेयर इस वक्त 7 किल का सर्वाइवल निकालते हुए जोन इनके पास नहीं रहेगा। एंड व्हीकल भी अपने डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, तो इनको प्रोन होकर या फिर स्मोक की कवर बना के जोन जाना पड़ेगा। राइट साइड से पुष्पा मौजूद रहते हैं, जो कि टीम R3D को बिल्कुल उनकी जगह से मूव ऑन नहीं करने दे रहे। लेट्स सी क्या सिचुएशन रहती है यहाँ पर। राइट के चारों चारों प्लेयर अपना एंगल लेके बैठे हुए, उजम ओपन मौजूद रहेंगे, ब्लेड कवर, ब्लेड गोथ एंड पुष्पा जो कवर लेके मौजूद रहेंगे। उजम इस वक्त बहुत ही नजदीक रहते हैं, आई एम वॉकर काफी नजदीक आ चुके हैं। अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है उजम की जानिब से। उजम को इस बात का इल्म था कि टीम R3D इसी जगह पे आए कवर लेंगे, एंड उजम ऑलरेडी उनके कवर वाली जगह पे बहुत नजदीक आ चुके हैं। यहाँ से अपनी टीम के लिए इन्फो के साथ साथ कुछ नॉक्स भी निकाल सकते हैं। बैक एंड पे अभी भी दो सोलो प्लेयर दिखाई देंगे टीम रेज के। फिनिशर इस वक्त एक सोलो प्लेयर बैक एंड पे प्रोन हो के, जो कि आराम से जोन में तो खैर देने। खूबसूरत नेड, ब्लेड का नेड आता है यहाँ पर, आई एम की वॉकर यहाँ पर नॉक होती है। एक और नेड को किया जा रहा है R3D की जानिब से, वॉकर को रिवाइव करना बहुत ही मुश्किल रहेगा। यहाँ पर एक और नेड आते हुए डैमेज देंगे, इसी के साथ बैक जाते हुए वॉकर, बट रिवाइव बहुत ही मुश्किल रहेगा। एंड ब्लेड पुश ऑन कर चुके हैं, यहाँ पर स्पॉट करने की कोशिश की जाएगी ब्लेड की जानिब से R3D के। हॉक को गाड़ी लेके दोबारा से लोकेशन चेंज करेंगे स्काउट करते हुए। ओके गाड़ी से यहाँ पर कुचलने की ट्राई की जाएगी, एक को कुचलते हुए यहाँ पर एक प्लेयर नीचे आते हुए खुद नॉक हो जाएंगे, काफी लो रेट भी किया गया। एंड हियर वी गो I8 विद 16 किल, यहाँ पर R3D को भी एलिमिनेट करते हुए I8 ब्लेड अपनी जान कुर्बान करते हुए, लेकिन अपनी बगी से पूरी की पूरी इन्फो लेते हुए मार्क करते हुए, एंड एक प्लेयर को नॉक भी लेते हुए क्या ही मूव रहता है ब्लेड की जानब से। एंड टीम I8 की अब एक 4v1v1 सिचुएशन रहेगी, यहाँ पर 16 किल्स सिक्योर कर लिए गए। एंड ब्लेड को भी यहाँ पर रेस कर दिया जाएगा। लास्ट 2 सोलो प्लेयर रहते हैं रेज के फिनिशर एंड TFD के राफे। लेट्स सी टीम IGT अभी तक 4 मैन रहते हैं, TFD के राफे रेज के फिनिशर को स्पॉट करेंगे, अपना किल कंफर्म करते हुए सेकंड पोजीशन पर आते हुए। एंड IGT को भी अपनी लोकेशन देते हुए ओपन से पुश आएगा, गोथ यहां पुश करते हुए राफे निकल के यहां पर नॉक लेने की ट्राई करेंगे। एक क्या मौजूद रहेगी लेफ्ट साइड से फायरिंग आते हुए, दो तरफ से फायरिंग यहां पर की जाएगी। एंड टीम IGT कमिंग अप विद 17 किल, द विनर विनर चिकन डिनर, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय टीम IGT इन दिस वेरी मैच। बात करें जोन के बाहर, मेरिकल जो यहाँ पर एलिमिनेट होते हुए कंफर्म होते हैं, मेरिकल जोन के बाहर, जाहिर की बात सी रहा है ये भी जोन के बाहर से नॉक होते हैं, बट रिवाइव इनको दे दिया जाएगा। एंड टीम स्टार से वंस अगेन जोन काफी ज्यादा दूर जा चुका है, 122 मीटर जोन के अंदर मूव ऑन करना है। एंड पहला किल जो है अपनी गेम का वो सिक्योर कर चुके हैं, पहला किल इनकी बैकपैक में आ चुके हैं। लेट्स सी स्मोक की वॉल बना के यहाँ पर इनको जोन के अंदर मूव करना पड़ेगा, काफी मुश्किल रोटेशन रहेगी बिकॉज इनके बिल्कुल सामने नॉर्थ ईस्ट पोर्ट का स्क्वाड मौजूद रहने वाला है। NES के मैक्सी इस वक्त एम लेके बैठे हैं कि जैसे ही स्टार अपनी रोटेशन कंटिन्यू करे फौरन से जो है वो कोई ना कोई एक किल उनकी जानिब से लिया जाए। एंड टीम साथ लेकर ये एक मुश्किल मरहला रहेगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा मरहले इस गेम में सामना करना पड़ रहे हैं टीम स्टार को। तो लेट्स सी ये मरला कैसे पार किया जाता है, कैसे अबूर किया जाता है। अगर आगे बात की रहे बाकी टीम की, H2E की बात की जाए, H2E के असद जोन के बीचों बीच इस वक्त सोलो होल्ड कर रहे हैं। आई बेट अगर H2E की पूरी टीम यहां लाइव होती, अगर ये इस कंपाउंड में 4 मैन सर्वाइव कर रहे होते, डेफिनेटली ये विनर विनर चिकन डिनर के एक हकदार बन सकते थे। बट लेट्स सी सोलो सर्वाइवल में कैसे गेम कंट्रोल करते हैं। स्टार के गॉड फ्यूरी बैक एंड से ग्रेनेड से नॉक होते हैं, ज़ायरो जे इज द लास्ट प्लेयर। जैसे कि मैंने बात की थी कि ये मरला बहुत मुश्किल रहेगा स्टार के लिए, एंड हियर वी गो, ज़ायरो जे भी यहां पर एलिमिनेट होते हुए। एंड टीम क्वांटम रेज की जाने से टीम तार मुकम्मल एलिमिनेट कर दी गई है। इसी के साथ IGT के गोस ग्रेनेड स्पैम करते हुए, खूबसूरत ग्रेनेड रहता है गोस का, वास को लॉक लेते हुए अशद को काफी लो, और अशद को भी ले चुके हैं, और ऐश यहां पर I8 के गोस को भी टेक डाउन करते हुए। टीम I8 एंड टीम T20X R3G ये दोनों टीमें इस गेम से एक साथ एलिमिनेट होते हुए। एंड टीम मीटर शॉट की बात की जाए, एश इज द लास्ट प्लेयर फाइंग फॉर दिस टीम T20। टीम TFD जो है वो जोन में गाड़ी की मदद से आने की ट्राई करती है। एंड H2E असद जिस कंपाउंड में होल्ड कर रहे हैं उस कंपाउंड में पुश कर चुके हैं बैक एंड से। टीम नॉर्थ ईस्ट पोर्ट फाइट में एंगेज होते हुए, नॉर्थ ईस्ट पोर्ट यहाँ पर टीम रेज को मुकम्मल वाइप करते हुए, एक 2v2 सिचुएशन यहाँ पर थी टीम एनी पर, टीम रेज टीम NES जो है कामयाबी हासिल करते हुए 3 किल अपने नाम करेंगे और जोन के अंदर भी अपनी जगह बनाने में कामयाब होते हैं। छठा जोन भी इसी के साथ अपने आखिरी मराहल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अहमर को आई थिंक थोड़ा सा आगे मूव ऑन करना है। जी हाँ, अहमर यहाँ पर अपने सामने वाली एक छोटी सी रिज का कवर लेके जोन में आएंगे। गोकू और स्पार के पास एक अच्छा एंगल रहता है, एंड बैक एंड से फायरिंग आते हुए स्पार थोड़ा सा लो होंगे, बट फौरी तौर पर कवर ले लिया जाएगा
H2E के साथ की बात की जाए, अभी भी सोलो एक किल के साथ इस घर के अंदर होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छा ग्रनेड टीम TFD की जानेब से टीम H2E को भी यहां पर एलिमिनेट किया जा सकता है। ग्रनेड किया गया लेकिन एक गलत कमरे में ग्रनेड ज्यादा ड्रॉप की बात की जाए, ड्रॉप के अंदर भी हमें इस वक्त MK14 दिखाई देगी, बट ये ड्रॉप तो इस वक्त किसी भी टीम की प्रेफरेंस नहीं रहने वाली है। MS के ऐश की बात करें, जोन के अंदर 50 मीटर आगे जाना है, कुछ ग्रनेड और स्मोक सामने वाले घर में स्पैम की जा रही है। खूबसूरत नेड रहता है ऐश का, रेज के इतने को नॉक लेते हैं, मॉली करते हुए इस घर के अंदर। क्या ऐश यहाँ पर ये 1v2 ले पाएंगे? अगर अभी पुश करती हैं तो मे बी TFD को 1v2 सिचुएशन में गेज कर सकते हैं, बिकॉज TFD इन्हीं के स्मोक का खबर लेके यहाँ बैठी हुई है। अगर यहाँ पर स्मोक ना करते आए तो शायद TFD एलिमिनेट हो जाती यहाँ पर, बट स्टिल राफे एंड साइरो दोनों इस वक्त बिल्कुल ओपन में रहेंगे ऐश के सामने। ऐश अगर यहाँ पर इनके ऊपर पीक करती है तो शायद इनको ले सकती है, बट ऐश के ऊपर ऊपर से QR के सबसे नेड आते हुए, ऐश QR को नेड स्पैम भी करते हुए ग्रनेड के अंदर जोन के अंदर, माय बैड, जोन के अंदर अभी भी इनको 84 मीटर मूव ऑन करना रहेगा। और ये जो 84 मीटर हैं ये इनके लिए बहुत लंबे रहने वाले हैं, बिकॉज सिर्फ आगे ही एक जगह है जहाँ ये मूव कर सकते हैं, वहाँ पर टीम रेज टीम TFD इनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद रहेगी हैं। बिल्कुल ऊपर टीम क्वांटम रेज, जिनको खुद भी आई थिंक जोन में मूव करना है। जी हाँ, सीनियर गाड़ी लेके जोन में मूव ऑन करते हुए बैक एंट्री टीम NES अभी तक बासानी होल्ड करते हुए दिखाई देगी हमें। खूबसूरत होल्ड देखने को मिल रहा है बैक एंट्री टीम QR की बात की जाए, QR अभी भी 4-7 निकाल रही है TFD पुश करते हुए। H2SO जो कि सोलो प्लेयर रहते हैं, अपने बूस्टर फुल करते हुए फर्स्ट एड मेडकिट का इस्तेमाल करके अपनी हीलिंग मुकम्मल करते हुए अपने पर स्मोक स्पैम करते हुए सम हाउ यहाँ पर सर्वाइवल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा ग्रेनेड एंड इनको भी एलिमिनेट किया जा सकता है, कॉकनेट करते हुए एक और मॉली करते हुए। असद यहाँ पर कैसे ये सब मॉली सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे जस्ट इनसेन नीचे फ्लोर पे आ चुके हैं मॉली से बचने के लिए। TFD के राफे एक तो MK14 लेके पुश करेंगे, एक कैम की प्री फायर देते हुए बैक एंड से दो बंदों का इकट्ठे पुश आते हुए वापस से ऊपर जा चुके हैं। बैक एंड से QR के स्पार्क रेज के एक और प्लेयर को नॉक लेते दिखाई देंगे। लास्ट 3 टीम यहाँ पर रह चुकी है, टीम H2E टीम TFD बैक एंड से थर्ड पार्टी होते हुए QR की जाने से H2E का काफी लो हो चुके हैं। 1v1 लेंगे यहाँ पर TFD राफे के साथ, एंड TFD राफे ये 1v1 लेके अपनी टीम को सेकेंड पोजिशन पर लाने में कामयाब हो चुके हैं। टीम QR 4v1 की सिचुएशन में पुश करते हुए राफे के ऊपर ग्रेनेड स्पैम करते हुए राफे यहां पर समहाउ जोन से बनने की ट्राई करेंगे। एंड हियर वी गो TFD राफे जोन से एलिमिनेट होते हुए, एंड टीम QR कमिंग अप विद 16 किल्स, विनर विनर चिकन अंदर, प्योर डोमिनेशन बाय टीम QR। टीके खान यहां पर बैक एंड से रेज के जैन को कंफर्म करते हुए, टीम रेज का भी एक ऑपरेट नॉक होते हुए, बट बैक एंड से फिनिशर यहां पर खान को स्पॉट करके नॉक लेंगे। खान यहां पर नॉक हो चुके, कंफर्म करने की कोशिश की जाएगी फिनिशर की जाने से यहां पर यकीनी तौर पर। जी हां, एंड खान को भी यहां पर एक और वाटर नेड बाय ग्रेविटी, क्या ही बेहतरीन नेड रहता है यहां पर, फिनिशर वंस अगेन नॉक हो जाती है। एंड टीम रेजे को और उम्दा नेड उसी जगह पर, रेज फिनिशर को काफी लो कर दिया गया, एंड कंफर्म भी करेंगे इसी के साथ ग्रेविटी अपनी टीम के लिए। एक सर्वाइवल किल निकालते हुए बैक एंड से MS का पुश आते हुए, हेल्थी को काफी लो कर दिया गया। ग्रेविटी को एक बार पुश यहां पर, हेल्थी को नॉक लेंगे राइट एंड से यहां पर पुश आते हुए। एच अपनी बगी से हल्का सा फ्लैंक जाते हुए इस वक्त हेल्थी को रिवाइव देने की ट्राई की जाएगी, बट बहुत ही मुश्किल जगह है। इसी के साथ पुश आते हुए एच को भी काफी लो कर दिया गया, ग्रेविटी कर हुआ था 1v2 हियर, एंड यस एक और प्लेयर नॉक लेते हुए कंफर्म भी करेंगे यहां पर। मीटर शॉट डाउन टू द लास्ट 2 प्लेयर, एच एंड खतीर आर द वेरी लास्ट 2 प्लेयर्स फॉर्मिंग फॉर देयर टीम, एंड ग्रेविटी की जानिब से एक बेहतरीन गन प्ले का हमें यहाँ पर मुजाहरा देखने को मिलता है। रिवाइव भी दे दिया जाएगा खान को, टीम रेज आउट देयर वेरी लास्ट प्लेयर आई थिंक। जी हाँ बिल्कुल, रेज के तो फास्टर जो है लास्ट प्लेयर रहेंगे। ग्रेविटी की बात की, क्यूर्टी की बात की जाए, क्यूर्टी इस वक्त अपने लास्ट 2 प्लेयर पर रहेंगे, MS अपने लास्ट प्लेयर दो प्लेयर पर रहेंगे। R3D इज द ओनली टीम जो कि 4-man सर्वाइवल निकाल दी, यहाँ पर हॉक को कन्फर्म कर दिया कि R3D भी यहाँ पर 3-man हो चुकी हुई है। अभी तक 4 टीमें सर्वाइवल निकाल, रेज के फास्टर काफी लो किया गया, रेज के फास्टर इसी के साथ ग्रेविटी कमिंग अप विद 1 more kill, एक और बंदे को कंफर्म करते हुए ग्रेविटी डोमिनेट करते हुए इस एंड जोन को। वी आर डाउन टू वेरी लास्ट 3 टीम, यहां पर आखिरी 3 टीमें रहने वाली हैं, R3D T20 एक्सक्वर्टी एंड मीटर का स्क्वाड रहेगा जो किस वक्त यूटिलिटीज स्पैम की जा रही है लिटरली MS की जानिब से। इस वक्त R3D के स्क्वाड के ऊपर IM वॉकर इस वक्त काफी लो एचपी हो चुके हैं, बट फिलहाल तक कोई भी नॉक नहीं लिया गया। एक बहुत ही इंटेंस एंड जोन है, यहां पर जो डिसएडवांटेज रहेगा R3D को वो लो लेज का रहेगा, काफी लो लेज है, मेरे स्पॉट किया रहेगा। एंड एक और प्लेयर नॉक होते हुए, डिस्ट्रॉयर भी लो एचपी होती है, एंड एक और प्लेयर यहां पर नॉक हो चुकी है, कंफर्म भी किया रहेगा। जी हां, R3D जो कि सबसे ज्यादा प्लेयर जिनके सर्वाइव कर रहे थे, 4 प्लेयर सर्वाइव कर रहे थे, दे आर डाउन टू द लास्ट 2 प्लेयर, एंड चीज का कंफर्म करने की कोशिश किया जाएगा। डिस्ट्रॉयर यहां पर नहीं करते हुए और रिवाइव दे देना का टाइम इस वक्त नहीं रहेगा, बट रिवाइव टच कर दिया जाता है। ओ माई गॉड अली,
वॉटर रिवाइव एंड मॉली आते हुए यहाँ पर एंड गन माय बम गॉड, हो जाएंगे इसी के साथ। ये क्या ही बेहतरीन मॉली रहती है, ग्रेविटी इज जस्ट प्लेइंग इनसेन। क्या ही ड्रिल्डी का स्माल डिस्ट्रॉयर लास्ट में रहेंगे, स्पॉट करेंगे ओह माय डिस्ट्रॉयर को। गॉड, ग्रेविटी कमिंग अप विद वन मोर किल। आई एम वर्किंग द लास्ट में फॉर आर 3D। ग्रेविटी को एक बार पुश शेयर विदाउट गन पुश करते हुए यहाँ पर जोन मारने की ट्राई करते हैं। जोन में पॉइंट में कामयाब हो चुके हैं, हीलिंग बॉम्बल करेंगे ग्रेविटी। एक और स्क्वाड को 1v3 आई थिंक ले सकते हैं यहाँ पर। वॉकर इस वक्त रिवाइव देते हुए, ग्रेविटी इस वक्त इनके पास कमी रहने वाली ग्रेनेड्स की। गोइंग फॉर द पुश, हियर वी गो। यूएमपी नॉक वाले वो कंफर्म करेंगे, किल लेके वापस आने की कोशिश और कामयाब होते हैं किल लेके वापस आने में। वॉकर पुश की ट्राई करेंगे, ग्रेविटी इस वक्त पहले वन में लेते हुए बैक एंड से पुश आते हुए एंड इसी के साथ ग्रेविटी पुश करेंगे। और एक और प्लेयर T20 एक्वर्टी ग्रेविटी यहाँ पर एक और स्क्वाड एलिमिनेट करते हुए अली। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय T20 ग्रेविटी। ये लास्ट प्लेयर यहाँ पर रह गया। व्हाट अ नेड एट द एंड, मीटर शॉट की तरफ से खूबसूरत नेड रहता है ग्रेविटी को एलिमिनेट करने के लिए। एंड मीटर शॉट कमिंग अप विद द विनर विनर चिकन डिनर विद 6 किल्स एंड ग्रेविटी सिक्योरिंग दैट क्रूशियल सेकंड प्लेस विद 7 किल्स।